हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके लिए के आपके पर्सन की इंटेंशन और फीलिंग क्या है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है व्यूअर्स, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं। ओके, गार्डन एंड द गेट, बॉटम से आता है मैजिशियन। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं। ओके, सो वी हैव वर्ल्ड, 5 of Swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 of Cups। बॉटम से आता है 10 of Wands और यहाँ से आता है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे नजर आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और व्यूवर्स हमारे पास आता है कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है, और मेष, सिंह, धनु राशि, तो सारी राशि व्यूवर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। नंबर्स मैंने आपको बताए, नंबर 3, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है। मे बी बिफोर 5 मंथ आपके लाइफ में कुछ हुआ हो, 3 मंथ्स पहले कुछ हुआ हो, या फिर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, भाग्यांक नंबर हो सकता है, कुछ भी, किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं आपके पर्सन की इंटेंशन और उनकी फीलिंग्स की। व्यूअर्स देखो, राइट ना आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जो कि ये दर्शाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा वक्त था जब इनके पास में सब कुछ था, मतलब लाइफ अच्छी थी, हैप्पी थी, हर एक खुशी थी इनके लाइफ के अंदर, फुल्ली अबंडेंट एनर्जी, और जिसको हम कह सकते हैं ना, एक लकी वक्त होता है इंसान के लाइफ में, एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान पीक पे होता है, बूम पे होता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको बिना कुछ करे बहुत कुछ मिल रहा होता है, बिना किसी एफर्ट्स के लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, या फिर ये कहें कि भाग्य इतना अच्छा साथ दे रहा होता है कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो चीज़ें होने लगती हैं, हो जाती हैं। आप विश मैनिफेस्टेशन करने वाले, मतलब कहते हैं ना, एक विश मास्टर बन जाते हो। तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स एक ऐसा वक्त भी यहाँ पे नज़र आता है, और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी था कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, बहुत अच्छे से, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चाह रहा हूँ या चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ मेरे साथ में वो चीज़ें नहीं हो रही जैसे पास्ट में हुआ करती थी। तो आपके पर्सन व्यूअर्स, अगर ओवरऑल अगर हम उनकी एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन अपने पास्ट को अगर देखा जाए बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत खूबसूरत मानते हैं, और प्रेजेंट सिचुएशन को अगर जब भी वो देखते हैं तो वो निराश, उदास हो जाते हैं। ठीक है, आपके अगर कनेक्शन की बात करूँ तो व्यूअर्स, आपका कनेक्शन पास्ट में भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखा जा सकता है आपके कनेक्शन में पास्ट एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है, एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, सपोर्ट भी काफ़ी है, लव भी काफ़ी है, और एक दूसरे के साथ में नज़दीकियाँ भी काफ़ी हैं, जैसा चाह रहे थे रिश्ता वैसा चल रहा था, बिल्कुल फुल्ली अबंडेंट। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन और हालात ये दिखाते हैं कि जैसा चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा, बहुत ही इमोशनली और मेंटली दोनों ही तरह से डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन में आप लोग। 10 of Wands, ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि जितना भी आपके पर्सन फिलहाल अपनी ज़िंदगी में ये कह रहे हैं कि मैं जितना भी एफर्ट्स लगा लूँ मेरी लाइफ में वो वक्त लौट के नहीं आ पा रहा है,
या मैं उस वक्त को ला नहीं पा रहा हूँ लौट के, क्योंकि ये पास्ट में ट्रैप है आपके पर्सन। क्योंकि जब किसी का पास्ट इतना ज़्यादा खूबसूरत हो तो इंसान पास्ट को ही प्रेजेंट के साथ में कंपेरिजन उसका करता ही रहेगा। तो मैं आज आपके पर्सन को देख रही हूँ व्यूवर्स कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरा वक्त है, जो मेरा गुजरा हुआ वक्त है, एटलीस्ट उस जैसा ही कुछ मेरी लाइफ में आ जाए, या मैं क्या करूँ कि मैं अपने पुराने वाले वक्त को जी सकूँ फिर से। तो ये विश की एनर्जी गाइस फिर से नज़र आती है, क्योंकि आपके पर्सन व्यूवर्स चाहते ही यही हैं कि इनको वही सब प्यार, अपनापन, सपोर्ट मिले जो इनको कभी पहले मिला करता था। इवन तो आपसे भी अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है वो उस लेवल की नहीं है। मतलब इस पर्सन को व्यूवर्स इस चीज़ों पे भी, मतलब अपने जो एफर्ट्स हैं उनको लेके इस पर्सन को बड़ा ही डर और डाउट नज़र आ रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आना भी चाहें तो क्या आप उन्हें वो प्यार, वो जगह दोगे अपने दिल में जो आपने इनको कभी पहले दी हुई थी। क्योंकि जब चीज़ें कहते हैं ना, कोई इंसान का अगर किसी के दिल से उतर जाए तो वो दोबारा से जगह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलती वो जगह, क्योंकि एक जो रिस्पेक्ट होती है ना वो अर्न की जाती है, ना कि मांगी जाती है, है ना। तो ये जो पर्सन व्यूवर्स ये इस चीज़ को समझते हैं, और मैं ये कहूँगी व्यूवर्स उनको समझने का नज़रिया कुछ दूसरा हो सकता है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, तो इस पर्सन का स्टेट थॉट ये नहीं है। इस पर्सन का स्टेट थॉट ये है कि आप उन्हें अब वो रिस्पेक्ट देते ही नहीं, आप उन्हें वो जगह देते ही नहीं, आप उनको अपने सामने कुछ समझते ही नहीं, ठीक है, या फिर आप उनकी अब अहमियत नहीं समझते हो। आप खुद के लिए जीते हो, आप अपनी लाइफ में खुद के लिए आगे बढ़ रहे हो और खुद में ही खुश हो, तो आपके पर्सन ऐसा समझते हैं। वो ये चाहते हैं, अगर देखा जाए, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँ, कि आप उन्हें वो रिस्पेक्ट दो। क्योंकि आप लोगों में जब भी बात होती होगी ना, तो मतलब छीटाकशी वाली बात होती होगी, या फिर ताने वाली बात होती होगी, या फिर तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, कुछ इस तरह से आर्ग्यूमेंट होते होंगे। मतलब ये एनर्जी गाइस दिखती है कि बातें भी हेल्दी तरीके से नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वो एक लड़ाई होती है बिल्लियों की, तो कुछ वैसे ही आपके अंदर, आपके इस सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है। एग्जांपल थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन ऐसी एनर्जी में गाइस आप लोग हो कि आप लोग एक दूसरे को पाना भी चाहते हो ना, लेकिन जो एक ईगो फैक्टर है वो यहाँ पे अड़ता है, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील होती है। आपके पर्सन ये कहते हैं कि मुझे तुमसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मुझे तुमसे वो प्यार भी नहीं मिल रहा जो तुम मुझे पहले दिया करते थे। अब भाई सामने वाले को भी तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जब तक वो ऐसे एक्शन नहीं लेंगे, तब तक उन्हें वो रिस्पेक्ट वो कैसे मिलेगी। तो व्यूवर्स, मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में जब सब कुछ है तो आपको उनकी क्या ज़रूरत है। तो अभी आप इतने बड़े लेवल पे, मतलब उनको लग रहा है कि आपके पास में हो सकता है कोई जॉब अच्छी हो, या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, या फिर आपके पास में कोई पावर हो, कुछ तो ऐसा हो सकता है किसी बात को, लेकिन उनको लगता है आपको गुरूर बहुत है, ठीक है। तभी आप उनके वैल्यू को नहीं समझ रहे हो, वो आपको गुरूर की तरह देख रहे हैं, पता नहीं व्यूअर्स, लेकिन एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है कि उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। हो सकता है आपको सडन कोई नेम फेम मिला हो, या फिर आपने कोई जॉब हासिल कर ली हो, या फिर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, खुद का बिजनेस हो सकता है, खुद का आप कुछ कर रहे हो, मे बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है आपकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी हो कुछ लोगों की, लेकिन कुछ तो है ऐसा जो आपके पास में है। और आपके पर्सन आपको देख के यही कहते हैं कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, लेकिन एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि उनको लगता है कि आपके अंदर जब से आपको ये सब मिलने लगा है, या फिर आप अपनी वैल्यू को ज़्यादा ही समझ रहे हो, आपने इनकी वैल्यू अपनी नज़रों में गिरा दी है। और ये आपकी तरफ अगर आना भी चाहे ना, तो आप इनके लिए दरवाजे ओपन नहीं कर रहे हो, इनको तो ऐसा ही लगता है। और इसीलिए ही बहुत ज़्यादा, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालातों में इनको करना क्या चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है भाई।
नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वैंड्स। इनको व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को, आपको लेके जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि वो आपके पास में आना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास में आने को लेके भी बहुत दिक्कतें हैं। यानी कि अगर आप अपने पर्सन को चांस भी दे रहे हो ना व्यूअर्स कि ठीक है तुम अगर आओगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में इतना या तो दूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि जिनको पार पाना आपके पर्सन के अकॉर्डिंग इनके लिए नामुमकिन सा फील हो रहा है, या फिर ये कहें व्यूअर्स आप तक पहुँचना, ठीक है आप तक पहुँचना, आपके साथ में रिश्ता बनाना भी एक टफ टास्क है। यहाँ पर हो सकता है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में अगर आपके पर्सन आपके पास में आना चाहते हैं तो कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इवन दो ये थिंकिंग भी हो सकती है, भाई इंसान अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच लेता है, तो वही व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ इस पर्सन को लग रहा है कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्या ये मुझसे हो पाएगा, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ, किस चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ। ये यही सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके रिलेशनशिप में भी बस हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी हों, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी आ गए हों और ईगो भी यहाँ पर आई है, दोनों ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, फैमिली और ईगो दोनों, मतलब अहम वाली बात जो होती है ना वो भी है यहाँ पे। तो आप लोग समझ सकते हैं आपके पर्सन का आपको लेके माइंडसेट क्या है, आपके पर्सन आपको लेके मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, दोनों ही तरह के थॉट इनके मन में हैं, वो आपके साथ में कनेक्ट भी होना चाहते हैं पर इनको लग रहा है कि इनके लिए ये कर पाना मे भी बहुत मुश्किल है और ये शायद इस चीज़ को ना कर पाएँ। और अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहें तो एक तो ईगो भी आड़े आती है, दूसरा यहाँ पे जो अदर लोग हैं, अदर पीपल हैं, ये कुछ भी सराउंडिंग एरिया भी हो सकता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, आसपास के लोग हो गए, दिल में कुछ बातें हो गई, वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं यही देख पा रही हूँ कि कम्युनिकेशन को लेके भी चुप हैं, शांत हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, जैसे कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हों, कुछ चीज़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हों कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे हालात हो मुझे क्या करना चाहिए। हालात तो यहाँ पे देखो 5-5 एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, तो आपके लिए व्यूअर्स मैं यही कहूँगी बहुत सारे चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रहे हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ चुके हैं इनके देखने के नज़रिए में भी और इनके काम करने के तरीके में भी, इस रिश्ते में भी, और इन चेंजेस को संभाल पाना फ़िलहाल नामुमकिन सा आपके पर्सन को लग रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना अचानक से तूफ़ान आ जाना, तो आपके पर्सन की लाइफ में तूफ़ान आया हुआ भी नज़र आता है कि भाई बहुत बड़ा तूफ़ान सा कोई आ गया है, और इस वजह से इनके इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस तूफ़ान से ये कैसे निपटे, कैसे ओवरकम करें, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जुड़ना तो चाहेंगे व्यूअर्स आपसे ज़रूर, लेकिन वही है ना व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे वही भाग्य परिवर्तन, समय परिवर्तन को दिखा रहा है, दिखा रहा है कि बहुत कुछ आपके पर्सन की लाइफ में बदल रहा है। जब चीज़ें बदलती है ना तो इंसान के संभालने की हालात नहीं होते, इंसान नहीं संभाल पाता, क्योंकि जब डिवाइन इंटरफेरेंस होता है ना तो इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, वो इंसान सिर्फ हाथों की कठपुतली बन के रह जाता है। और वही आपके पर्सन की लाइफ में हो रहा है कि इनका ना तो विज़न काम कर रहा है, ना ही इनका विजडम काम कर रहा है, मतलब ना तो ये देख पा रहे हैं सही तरीके से सिचुएशन को। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर हम अपनी प्रॉब्लम को आंक लें, उसका आंकलन कर लें, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कहते हैं विनाश काल है विपरीत बुद्धि, है ना। तो जब इंसान की लाइफ में परेशानियाँ आती है तो उसकी बुद्धि भी उसके अपोजिट काम करती है, तो बुद्धि पे भी यकीन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही इनका विज़न इस समय काम नहीं कर रहा है और इनको इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है आपकी तरफ आने में या फिर आपके साथ में कनेक्ट होने को लेके, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है इनको ये हैंडल नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। आपको लेके भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है, लोगों को लेके भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है, सिचुएशन को लेके भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है, मतलब चारों तरफ से लग रहा है इस पर्सन को जैसे कि ये फंस गए, ट्रैप हो गए, चारों तरफ से परेशानियां आ गई हैं। अब इसे ओवरकम करूं तो मैं कैसे करूं, क्या करूं मैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट सिनेरियो यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आता है, ये चाहते तो हैं ओवरकम करना, लेकिन कैसे, कौन सा रास्ता सही है, क्या करना चाहिए, ये आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है, इनको ऐसे लग रहा है कोई इनकी सपोर्ट में भी नहीं है या फिर कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसे ये कम्युनिकेशन करके अपने हालातों को बता के एक सही रास्ता फाइंड आउट कर सकें।
ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपको आपके जो पर्सन है उनका करंट सिनेरियो आपको समझ में आया होगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं वैसे एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यूवर्स। थैंक यू वॉचिंग गाइस। बाय बाय। टेक केयर।